सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं शुगर को जड़ से मिटाती है प्याज की चाय और कई बीमारियों में भी है ये लाभकारी। प्याज में एक पिगमेंट होता है जो कि कई सारे फायदे देता है। ये ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है जिससे हाइपरटेंशन का खतरा कम होता है। सुबह सुबह उठते ही सबको चाय पीने की आदत होती है। अगर चाय न मिले तो दिन अधूरा सा लगता है। वैसे तो चाय पीने के शौकीन चाय के नए नए फ्लेवर ट्राई करते रहते हैं, लेकिन आज हम जिस चाय के बारे में बताने जा रहे हैं, अगर आप वो ट्राई कर लेंगे तो अभी शुगर खत्म होगी, साथ ही कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। बता दें, जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी और दालचीनी टी आदि होती है, उस तरह प्याज की भी चाय होती है। लेकिन अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप चाय को अवॉइड करते हैं, ऐसे में आपको प्याज की चाय फ़ायदेमंद है। दरअसल प्याज के रस का इस्तेमाल बालों के टूटने की समस्या होने पर अक्सर लोग करते हैं। इसके अलावा मधुमेह, उक्त रक्तचाप, नींद न आने की बीमारी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कभी आपने प्याज की चाय पी है या सुना है? आज इसकी विधि और इसके फायदे हम आपको बताने जा रहे हैं। प्याज से बनी चाय का सेवन रोज करने से हाइपरटेंशन का खतरा कम हो जाता है, साथ में ये वजन को कम करने में मददगार साबित होती है। प्याज की चाय ग्लूकोज के स्तर को बेहतर बनाती है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंट बढ़ाकर मधुमेह का खतरा भी कम होता है। प्याज में विटामिन सी के अलावा ऐसे कई औषधीय गुण पाए जाते हैं जो बाहरी संक्रमण को दूर कर हमें सर्दी जुकाम से बचाता है। इसका सेवन करने से शारीरिक थकान तो दूर होती ही है, साथ ही हमें नींद भी अच्छी आती है। प्याज की चाय प्याज के छिलके से बनती है। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप पानी लें, फिर उसमें प्याज छीलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े डाल दें। इसके बाद जब ये पानी उबल कर 1 कप रह जाए तब गैस बंद कर दें। फिर पानी को छान कर गुनगुना कर लें और उसमें 4 बूंद नींबू का रस डालकर एक ग्रीन टी बैग डालें। 5 मिनट के बाद टी बैग निकाल लें और अपनी इच्छा के अनुसार शहद मिलाकर इस फायदेमंद चाय का आनंद लें। इसमें क्वेरसेटिन नाम का पिगमेंट होता है जिसके कई सारे फायदे हैं। ये ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है, इससे हाइपरटेंशन का खतरा भी कम हो जाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।